प्रीफिक्स बेटा क्या होता है समझेंगे बात। पांच फाइव पार्ट्स ऑफ नेम था, उसमें से बेटा प्रीफिक्स, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया न्यू फोल्डर टू। फाइव पार्ट्स ऑफ नेम थे, उसमें से रूट हो चुका, अब हम लोग प्रीफिक्स करेंगे। देखो कुछ हम लोग अभी कर रखे थे, कुछ नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देख रखा था। फॉर एग्जांपल इसका अगर नोमेनक्लेचर करने बोला जाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मिट जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम होगा टू ब्रोमो, टू ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि थ्री कार्बन था तो प्रोपेन। तो ये टू ब्रोमो जो है बेटा, दिस इज आवर प्रीफिक्स, दिस इज आवर प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स में कौन आएगा बेटा, हैलाइड, एल्कोक्साइड, अजाइड, नाइट्रो, दे आर ऑलवेज प्रीफिक्स। हैलाइड्स, एल्कोक्साइड, अजाइड, नाइट्रो, दे आर ऑलवेज प्रीफिक्स। व्हाट आर हैलाइड्स? हैलाइड मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मींस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत, इन सबको बेटा शॉर्ट में हम लोग एक साथ बोले हैं बेटा हैलोजन, टुगेदर दीज आर नोन एज, बट बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया नहीं जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, एल्कोक्साइड, व्हाट आर एल्कोक्साइड? ओ सी एच थ्री, समथिंग लाइक दिस विल बी एल्कोक्साइड। What are azide? N3. This will be azide. N3. ठीक है? What are nitro? NO2. NO2 will be nitro. If these atoms or group of atoms are present, then they will always be at prefix. They will always be at prefix. लिख लीजिए बेटा इसको. They will be always at prefix. Hello. बेटा हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बेटा, ये सबको हैलाइड बोले हैं। हैलाइड्स मींस हैलोजन, दीज ऑल आर हैलाइड्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दीज ऑल आर हैलाइड्स। चलिए, कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे बेटा फिर। हाँ बेटा फिर से बोलिए। इनका सवाल कोई और रिपीट कर दीजिए बेटा, इनका आवाज नहीं है। चलिए हो गया। तो प्रीफिक्स में बेटा ये लोग होते हैं, ठीक, दे आर ऑलवेज अ प्रीफिक्स। मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दीज दे आर फ्यू ग्रुप्स विच मे बी एट प्रीफिक्स। समझते बात को, इसको आगे हटाते गायब करते हैं। यहाँ बेटा प्रीफिक्स में ये लोग तो पक्के से आएंगे, ये लोग तो हमेशा आएंगे। कभी कभी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप भी प्रीफिक्स में आ जाएगा। अब ऐसा कैसे होगा, समझे बात को बेटा। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है मॉलिक्यूल में, दो फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ये वाला, लेट से ऐसा कुछ है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा, कोई बताएगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? बहुत बढ़िया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। ध्यान रहे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बेटा फाइव पार्ट में ये आएगा, क्यों आएगा बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाला पार्ट बेटा प्रीफिक्स में चला जाएगा, मतलब जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें से एक बेटा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में आएगा, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है प्रीफिक्स में आएगा। तो ये बेटा इसलिए आया क्योंकि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप था,
और ये प्रेफिक्स में इसलिए चला गया क्योंकि ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। जब दो लोग रहेंगे तो सीनियर वाला प्रेफिक्स में आएगा और जूनियर वाला बेटा सॉरी सीनियर वाला सफिक्स में आएगा, जूनियर वाला प्रेफिक्स में चला जाता है। तो आगे लिख लेंगे द सेकेंडरी, बेटा जूनियर सीनियर कैसे पहचानना है बाद में बताएंगे बेटा, अभी समझिए। द जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग सीनियर और प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है। और प्राइमरी बोलते हैं जो बट सीनियर होता है उसको प्राइमरी, जूनियर और सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो जूनियर और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आर ऑल्सो एट प्रेफिक्स, जूनियर और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आर ऑल्सो एट प्रेफिक्स। फिर हम फिर से बोलेंगे बेटा क्या बोले, कराएंगे बोले बेटा एक करके नंबर पे करा देंगे। जूनियर और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जूनियर और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जूनियर और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। आर ऑल्सो एट प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स में दो लोग रहते हैं, या तो ये लोग या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा प्रेफिक्स में कोई और नहीं रहेगा। समझ में आया? अब जूनियर और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानना वो सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पर धीरे धीरे अभी ऐसे समझिए। चलिए नेक्स्ट। नहीं बेटा जो है यही है, ये तो बेटा इसका बेटा रिवीजन नोट्स रिवाइज कीजिए ना बेटा, उसी से हो जाएगा। हाँ बेटा फिर से बोलिए। अजाइड बेटा N3 को अजाइड बोले हैं, N3 दीज आर नोन एज अजाइड्स। अजाइड आएगा, बहुत बढ़िया, उसमें अजाइड आएगा। चल नेक्स्ट, यहाँ देखते बेटा। एफसी के पीछे माइनस के दिए थे ना, वो बस एक डैश था। अरे माइनस नहीं है, फिर से बेटा। हाँ मतलब बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, उसका मतलब तो वही चीज था ना बेटा, पहले तो बता चुके हैं। सी एल है तो सी एल माइनस नहीं है ना, इसके इस तरफ क्या होगा बेटा, कार्बन होगा ना, उसलिए माइनस दिया गया। फिर बताने के बाद चलिए यहाँ देखिए बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा रूट। इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट क्या होगा बेटा, पेंट। ध्यान से सुनिएगा, सैचुरेशन क्या होगा बेटा इसका, भूल चुके हैं सब कोई। सैचुरेशन में एन इन आइन, सारा कुछ डबल सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बेटा, रूट है बेटा, रूट में पेंट आएगा, दिस इज रूट। रूट में बेटा नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन 5 कार्बन है तो रूट में हम लोग बोल दिए पेंट। सैचुरेशन में बेटा आपका ऑल क्या है बेटा, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, नो डबल बॉन्ड, तो इन नहीं है आइन नहीं है, ठीक है। फिर बेटा फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है बेटा, कौन है फंक्शनल ग्रुप? अरे फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे बेटा, यहाँ पर बेटा नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बेटा फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है। क्यों, ब्रोमीन कहाँ जाने वाला है बेटा, प्रेफिक्स में, तो ब्रोमीन जाएगा प्रेफिक्स में, और प्रेफिक्स में क्या बन गया, ब्रोमो बन गया, तो ब्रोमो बन जाएगा। तो इसका पोजीशन कहाँ जाएगा बेटा, 3 ब्रोमो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 ब्रोमो पेंटेन, सिंपल बेटा, ओके समझ में आया। 3 ब्रोमो पेंटेन, इसको ड्रॉ कर लीजिए। सर लास्ट का सर अगर पीएचडी नहीं दिया तो ठीक ही रहता
हाँ तो भी CH3 माना जाएगा ना बेटा, अगर ये इस तरीके से भी रहता तो यही चीज था बेटा। ये आप लोग को बेटा थोड़ा आसान बनाने के लिए CH3 लिख देते हैं, समझ में आया। इसके ओके बाद ही बेटा ये 1 ही माना जाएगा, 1 2 4 5, दोनों एक चीज है बट आप लोग के लिए थोड़ा आसान बन जाता है CH3 लिख देने से। तो दिस इज 3-bromo-pentane, दिस इज साइक्लो एंड साइक्लो बेटा रिंग होगा तब ना, तो कोई रिंग है यहाँ पर नहीं है बस इसलिए। हाँ बेटा फिर से बोलेंगे, ब्रोमो का ब्रोमो ही बेटा, ब्रोमीन नहीं है थर्ड पोजीशन पे देखो। नहीं नहीं ब्रोमो आता है बेटा, रूल ये है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो। रूल क्या है बेटा सुन लीजिएगा, क्लोरीन रहा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहा तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहा सॉरी क्लोरीन रहा तो लिख लीजिए क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आयोडो, ये रहेगा बेटा ये रूल है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। जब भी हैलोजन रहेगा यही नाम देना है, आइदर फ्लोरो आइदर क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो। चलिए ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को? बेटा ना ये ब्रोमीन बेटा प्रेफिक्स में है तो उसका लोकेशन बताना होगा ना बेटा, ये जो नंबर होता है इसको हम लोग लोकेंट कहते हैं, या लोकेशन बताने वाला, लोकेंट लोकेंट लोकेशन बताने वाला। नेक्स्ट तो देखो इसका नाम नहीं नहीं सबका लोकेंट आएगा बेटा, एक एक करके आ रहे बेटा। चलिए चलिए यहाँ देखते हैं, इसका नाम कीजिए आप लोग खुद से। ये बेटा नाइट्रो ग्रुप है ठीक है, ये नाइट्रो है, दिस इज नाइट्रो ठीक है बेटा ठीक है। 1 2 3 4 5 बेटा आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे तो वही आएगा बेटा, इधर 1 2 3 4 5। नहीं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड है, चार्ज होने से आयनिक बॉन्ड नहीं होता है बेटा, ये तो माइनस चार्ज है के ऊपर ठीक है। चलिए 3-nitropentane, 3-nitropentane हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। है तो बेटा इसको पूरे को नाइट्रो बोल दिया ना बेटा, इसको पूरा को नाइट्रो क्या बेटा, बेटा इसको नाइट्रो बोला जाता है बेटा, इसको नाइट्रो बोला ही गया है, IUPAC ने इसको नाइट्रो बोलना स्टार्ट कर दिया था, सब नाइट्रो बोलते बेटा, दिस इज नाइट्रो। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं हो सकता है बेटा, NH2 होगा तो उसको अमीनो बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये NO2 है बेटा, ध्यान से देखिए NO2 है, दिस इज ऐसे ही है बेटा, ये इसमें उसको बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं बेटा, कलर कलरफुल बस बनाने के लिए, दिखने में अच्छा लगे इसलिए बेटा। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन माइनस का 1 बॉन्ड होता है बेटा, ऑक्सीजन नीड्स 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस विल नीड 1 बॉन्ड, समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन सबको चाहिए ना बेटा, इस कारण से, बिकॉज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट, तो इसका नाम हो गया बेटा 3-nitropentane, दिस विल बी कॉल्ड 3-nitro। नहीं पेंटेन का मतलब ऐसा नहीं है बेटा, इतना बताने के बाद
पेंटेन का मतलब होता है रूट में पेंट है, उसके बाद मतलब ये है बेटा, पेंटेन का मतलब वो नहीं होता है, पेंटेन का सिर्फ मतलब वो नहीं होता है बेटा, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन एंड नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका नाम करेंगे बेटा, इसको क्या बोले सोचिए, तो इसको क्या बोला गया है बेटा, इसको हाँ सुन लीजिए, अजीडो बोलेंगे, अजाइडो, ओ लगाते हैं बेटा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो यहाँ पे अजाइडो बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए समझ में आने लगा ना, ठीक है, दिस इज 3 अजाइडो पेंटेन, 3 अजाइडो पेंटेन। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा ठीक है, आराम से। एल्कोक्साइड अभी कहाँ करा है बेटा? हाँ तो वहां पे देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ था, क्या लिखे नहीं है क्या वहां पे आप? हाँ आ रहे बेटा एल्कोक्साइड पे, चलिए इसका नाम सोचेंगे, समझेंगे बात को आगे। बेटा एल्कोक्साइड एक ग्रुप को बोला गया, अकेला कोई एल्कोक्साइड नहीं होता, जैसे ये एल्कोक्साइड है एक टाइप ऑफ एल्कोक्साइड है, ये क्या है समझेंगे बात को, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? नो मीथेन होता है बेटा, तो ऑक्सीजन के साथ इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। चलिए नाम खुद से सोचिए क्या हो, फिर से बोलेंगे बेटा, क्या बेटा? बेटा एक कार्बन मतलब मीथेन और उसके साथ ऑक्सीजन मतलब मिथॉक्सी, 2 कार्बन और ऑक्सीजन इथॉक्सी, 3 कार्बन और ऑक्सीजन प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्यूटॉक्सी, समझ में आया? ठीक ठीक है, तो ये मिथॉक्सी हो गया, तो इसका नाम होगा 3-मिथॉक्सी पेंटेन। देखिए इसका नाम 3-मिथॉक्सी पेंटेन, और पहले ही बता रखे थे बेटा सिर्फ एक कैपिटल होता, बाकी सारे स्मॉल होते, देखिए कोई स्पेस नहीं है पूरे नाम में, और नंबर लेटर इज सेपरेटेड बाय अ हाइफन, ये भी बता रखे थे, एक नंबर और एक लेटर के बीच में हाइफन से सेपरेशन मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ बेटा 3-मिथॉक्सी पेंटेन, ये तो बेटा ये ग्रुप है ना बेटा, ये प्रीफिक्स में लगा ना बेटा, ये प्रीफिक्स हो गया ना बेटा, बेटा वो नाइट्रोजन के साथ है ना बेटा, अंतर नहीं है, देखिए ये नाइट्रोजन इस तरीके से कनेक्टेड है और ये इस तरीके से है बेटा, दोनों में अंतर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका नाम बेटा, अच्छा आगे आप लोग ये लिखिए टाइप ऑफ कार्बन, टॉपिक है टाइप ऑफ कार्बन, वो छोड़ दीजिए, ठीक है टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन। आगे समझ लीजिए उसके बाद क्या करना है बताएंगे, टॉपिक लिख लिए अच्छी बात है, अब क्या समझना समझिए, इस कार्बन को जरा देखिए, तो चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज कार्बन ए, दिस इज कार्बन बी, दिस इज सी, नहीं नहीं ड्रॉ नहीं करना अभी,
दिस इज एफ, ठीक है, अभी ड्रॉ नहीं करना है। मैं पूछ रहा हूं कार्बन ए के पास, कार्बन ए है ठीक है, कार्बन ए के बेटा कितने कार्बन फ्रेंड है, तो ध्यान से समझो, दिस कार्बन ए हैज ओनली वन फ्रेंड विच इज कार्बन बी, बट कार्बन बी हैज हाउ मेनी कार्बन फ्रेंड, फोर कार्बन फ्रेंड, बहुत बढ़िया। एंड कार्बन सी हैज हाउ मेनी कार्बन फ्रेंड, टू बेटा, टू, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से समझिएगा, इसके एक कार्बन फ्रेंड है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, अभी कुछ लिखना नहीं, अभी समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इसके चार है बेटा तो दिस विल बी कॉल्ड क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। इसके दो है तो दिस विल बी कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, देखा जाए तो इसके भी दो है तो दिस विल बी कॉल्ड सेकेंडरी, इसके भी दो है तो दिस विल बी आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी। नाउ लेट अस फोकस एट एफ, एफ क्या है बेटा, तीन कार्बन है तो दिस विल बी कॉल्ड टर्शियरी, टर्शियरी। समझ में आया सबको, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आप देखिए ये वाला मॉलिक्यूल आप लोग बना नहीं पाओगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बना पाएंगे वो वाला ड्रॉ करते हैं। ये आपको बनाना है सी एच थ्री, सी सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री। चलिए ये आप लोग बनाइए और इसको आप लोग प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, खुद से लिख लीजिए। क्वार्टरनरी बेटा, क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, वन फोर्थ होता है ना बेटा, तो वहीं से है ना क्वार्टरनरी। अरे चार है मतलब क्वार्टरनरी, बेटा चार का मतलब बेटा वन फोर्थ का मतलब क्वार्टर होता है ना, तो क्वार्टरनरी बेटा। अच्छा आप पूछ रहे हो उसके चार फ्रेंड कैसे है, चार फ्रेंड है ना बेटा, फ्रेंड नंबर वन, फ्रेंड नंबर टू, फ्रेंड नंबर थ्री, फ्रेंड नंबर फोर, हुआ ना चार फ्रेंड हो गए। यहाँ पर आप लिखिएगा, इसको लिखिएगा क्वार्टरनरी, इसको लिखिएगा सेकेंडरी, इसको भी सेकेंडरी, इसको भी सेकेंडरी, इसको टर्शियरी, इसको क्या लिखिएगा बेटा प्राइमरी, बस सबको मार्क कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी प्राइमरी है। ये भी प्राइमरी है ठीक है, चलिए। हाँ बेटा वो टर्शियरी, वो टर्शियरी होगा बेटा। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और क्लियर हो। चलिए ये देखते,
इसको बनाइए और मार्क कीजिए कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। बहुत बढ़िया बेटा, क्वार्टरनरी मतलब उसके चार, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, बहुत। ये है क्वार्टरनरी, 4 डिग्री से डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये है अपना, बहुत बढ़िया, टर्शियरी, बहुत बड़ा टर्शियरी। बाकी सब बेटा यहाँ पे 2 डिग्री है, बहुत बढ़िया, सेकेंडरी, सेकेंडरी होता है, सेकेंड डिग्री नहीं होता। ठीक है, सेकेंड डिग्री हम लोग लिखते हैं बट पढ़ते हैं सेकेंडरी, इसको सेकेंड डिग्री नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, इसको थर्ड डिग्री नहीं है, टर्शियरी बोलेंगे। ठीक है, ये बेटा 1 डिग्री है और प्राइमरी, बहुत बहुत बढ़िया। क्या बेटा, अरे शॉर्ट में लिखे ना टर्शियरी, 3 डिग्री है टर्शियरी बट शॉर्ट में लिखने के लिए 3 डिग्री यूज कर रहे, समझ में आया, शॉर्ट में लिखना है ना, बार बार इतना लंबा कौन लिखेगा। चलिए, क्वेश्चन इज व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स, टॉपिक लिखिए व्हाट आर एल्काइल ग्रुप। हाँ बेटा 1 डिग्री हो सकता था वो। Okay, चलिए टॉपिक है बेटा व्हाट आर एल्काइल ग्रुप। चलिए व्हाट आर एल्काइल ग्रुप समझते हैं। ये बेटा एल्केन है ना, व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन सिंपली मींस ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल बेटा इसका नाम है, हाँ बेटा इसको ड्रॉ कीजिए, लिखिए मीथेन, ये सबको पता है बेटा, इसको एक मिनट नहीं करना चाहिए ना, नहीं करेगा बेटा, बहुत दूर है। आप ठीक है? चलिए बेटा मैं ही हूँ बेटा, मोबाइल से मैंने ज्वाइन कर रखा है देखने के लिए कि सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो ये मीथेन है बेटा, अब ध्यान से समझिएगा, एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दीजिए और कुछ लगाइए मत, सिर्फ हटाना है, उसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे। मतलब ये बेटा, दिस विल बी नोन एज मिथाइल। तो करना क्या है, रिमूव वन हाइड्रोजन, ध्यान से समझेंगे बेटा, एल्केन होता है बेटा, ध्यान से आगे सुनिए, एल्केन होता है, एल्केन से रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव एच, दिस बिकम्स एल्काइल। मीथेन से माइनस हाइड्रोजन की, क्या हुआ बेटा, चलिए मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे दैट विल बी नोन एज मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे दैट विल बी नोन एज इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे दैट विल बी नोन एज प्रोपाइल। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो एल्काइल ग्रुप्स में बेटा हाइड्रोजन किसको बेटा, अरे यही तो मिथाइल है आपका, ये लाइन बना दीजिए, अरे हाँ बेटा नोमेनक्लेचर कर रहे बेटा, एग्जिस्ट का भी हम लोग नहीं सोच रहे, ये इस तरीके से बनेगा बेटा, हाँ वो लाइन ड्रॉ करना होगा, सुन लीजिए बेटा।
इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिएगा। ये इस तरीके से बेटा, शॉर्ट में इस तरीके से CH3 R bond बेटा इस तरीके से कर सकते हैं। एल्काइल बेटा, मिथाइल, ठीक है, इसको मिथाइल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, मीथेन से मिथाइल। एल्केन, एरो के ऊपर रिमूव एच, सो दिस बिकम्स व्हाट बेटा, एल्काइल। एल्काइल, एल्केन से हाइड्रोजन हटाइएगा, एल्काइल बनेगा। एल्केन से हाइड्रोजन हटाएंगे, एल्काइल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बेटा, एक हाइड्रोजन हटाना है। हाँ बेटा, बेटा इसको बेटा हम नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे कि एल्काइल का यूज पड़ेगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी देखेंगे बेटा एक करके सब करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, हो गया, नेक्स्ट। अब ध्यान से समझिए, ये अपना एल्काइल ग्रुप, इससे एक और हाइड्रोजन हटा लिए, तो ये बेटा मिथाइल था, ध्यान रखिएगा, ये मिथाइल होता है। जब दो हटा लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन, एक हटाने पे मिथाइल, दो हटाने पे मिथिलीन, एक हटाने पे मिथाइल, दो हटाने पे मिथिलीन, ठीक है। जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिखेगा उसका नाम बोल देंगे आप मिथिलीन, उसका नाम हो जाएगा मिथिलीन। फॉर एग्जाम्पल CH2 इस तरीके से रहता है तो इसको मिथिलीन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथिलीन, इसको हम लोग मिथिलीन बोले। जब भी ऐसा आपको दिखे तो आप इसको मिथिलीन बोल दीजिएगा। जब भी आपको CH2 ग्रुप दिखे दैट विल बी कॉल्ड मिथिलीन। क्या बेटा, नहीं बेटा ये हो जाएगा मिथिलीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ एल्काइलीन हो सकता है। नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे, आते हैं बेटा एक एक करके लिखिए ना। चलिए ये क्या है बेटा, ये है CH3 और क्या है बेटा CH2 विद अ बॉन्ड बेटा, तो इसका नाम क्या हो गया, इथिलीन, इथाइल बेटा। वन हाइड्रोजन इज मिसिंग सो इथाइल, इफ यू हैव वन हाइड्रोजन मिसिंग दैट विल बी कॉल्ड इथाइल। नाउ आई कैन रिमूव सेकंड हाइड्रोजन, आई कैन रिमूव सेकंड हाइड्रोजन। तो बेटा पहला हाइड्रोजन यहां से गया, सेकंड हाइड्रोजन बेटा यहां से जा सकता है या फिर यहां से जा सकता है, सोचो दोनों में से कोई एक जगह से जा सकता है। तो बेटा अपने पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, देखो मिथेन में बेटा एक ही बन रहा था क्योंकि मिथाइल ओनली हैड वन कार्बन, बट दिस हैज टू कार्बन। हाँ बेटा, बेटा दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन दे आर सेम पोजीशन बेटा, ठीक है, ये एक जैसे पोजीशन है, ठीक है, ये वाला पोजीशन एक जैसा पोजीशन है, तो यहां से जाए बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे,
यहां पर बेटा दोनों एक ही पोजीशन से चले गए और यहां पर दोनों एडजेसेंट पोजीशन से गए, तो ध्यान से समझिएगा क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी कॉल्ड इथिलीन, दिस विल बी कॉल्ड इथिलीन एंड दिस विल बी कॉल्ड इथाइलीडीन, इथाइलीडीन मीन्स दिस इज इथाइलीडीन, CH3CH, दिस इज इथाइलीडीन बट दिस इज इथिलीन। क्या बेटा ये इथाइलीडीन है बेटा, देखिए दिस इज इथाइलीडीन, दो का दो हाइड्रोजन में दो दो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो अगल बगल से रिमूव करेंगे तब इथिलीन कहा जाएगा, एक ही कार्बन से रिमूव कर देंगे तो इथाइलीडीन कहा जाएगा, अंतर है बेटा। सेम कार्बन एटम से इथाइलीडीन, अगल बगल एडजेसेंट कार्बन एटम से इथिलीन, इथाइल इथिलीडीन एंड इथिलीन, दीज थ्री आर डिफरेंट। एक कार्बन रिमूव कीजिए इथाइल, सेकेंड हाइड्रोजन सॉरी एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए इथाइल, सेकेंड हाइड्रोजन अगर रिमूव करते हैं जहां से प्रीवियसली हम लोग रिमूव किए थे दैट विल बी कॉल्ड इथिलीडीन, उसके बगल वाले से रिमूव कीजिएगा दिस विल बी कॉल्ड इथाइलीन या इथिलीन, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ यूज, कभी कभी इसका यूज करना पड़ता है। चलिए ध्यान से समझेंगे, ये जरा नोटिस कीजिए बीच में से गायब हो गया है ये बेटा, क्या है बेटा कितने कार्बन थे यहाँ पे, तीन, तो प्रोपेन था बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ध्यान रहे बेटा प्रोपेन में बेटा यहां से रिमूव करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे तो बेटा अलग अलग चीजें आएगी, है ना बेटा। प्रोपाइल में बेटा दो पॉसिबिलिटी था, ठीक है, ध्यान से समझें, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, इसका नाम होता आइसोप्रोपाइल और इसका नाम होता है टर्ट ब्यूटाइल, बस बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है। टर्ट ब्यूटाइल मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल है, ये शॉर्ट में टर्ट बोले, तो ये वाला आइसोप्रोपाइल है और ये वाला टर्ट ब्यूटाइल है, सॉरी हाँ बेटा वापस आ रहे हैं। हाँ एक चीज में मिस, हाँ बेटा सुनिए सुनिए कर दे रहे कर दे, सुनिए ध्यान से समझिएगा, एक चीज मिस कर गए थे बेटा, अगर यहाँ से अगर मिस करता है हाइड्रोजन, अगर यहाँ से कनेक्टेड है तो दिस इज सिंपली नोन एज प्रोपाइल, अगर इस तरीके से हाँ इस तरीके से अगर मिसिंग है, अगर बीच वाले से आप हाइड्रोजन गायब कर दिए तो दिस विल बी कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, दिस विल बी कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज नोन एज टर्ट ब्यूटाइल। प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल टर्ट ब्यूटाइल, ये सब बेटा आपके काम आएगा नोमेनक्लेचर। क्या बेटा नहीं बेटा चार ही है, देखिए फाइव कहाँ हुआ, साइकिल नहीं बना है बेटा, साइकिल कहाँ बना, देखिए ना 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 देखिए टर्शियरी है बेटा, शॉर्ट में टर्ट बोल दिए, आप फुल फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल भी बोल सकते थे। हाँ
हाँ बेटा फिर से बोलिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ब्यूटाइल है बेटा। हाइड्रोजन एक जगह से गया बट कौन से कार्बन एटम से गया वो देखिए, टर्शरी कार्बन एटम से नहीं गया है। हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव फ्रॉम टर्शरी कार्बन एटम, देखिए 3 डिग्री कार्बन एटम, इसीलिए टर्शरी बोला गया है, टर्शरी ब्यूटाइल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आप नोमेनक्लेचर आएगा अब असली मजा आएगा, ठीक है। पहले अभी हम लोग बेसिक सीख रहे थे, ठीक है। तो बेटा सब में तो खाली था ना बेटा, एक एक क्या टर्शरी ब्यूटाइल बेटा, टर्ड ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल। चलिए ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, कोई इसका नाम बताएगा? साइक्लो, साइक्लो ऑक्टेन। सुनिए इसका नाम है बेटा, आप बताइए। क्यूबे, क्यूब है ना, बात इसीलिए, बहुत सही, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड क्यूबे। अरे ड्रॉ नहीं करना, ये मॉलिक्यूल कभी आएगा नहीं, बस देखने के लिए, ठीक है। ये हम लोग कभी किसी एग्जाम में आना नहीं है, ना ही किसी बुक में आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। आप पूरा किसी भी बुक में आपको ये मॉलिक्यूल आपको क्लास 11 12 तक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं आता है क्यूबेन, बस बताने के लिए। चलिए हम लोग लिखेंगे, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। चलिए आप लिखेंगे हम लोग बेटा रूल्स फॉर, सॉरी लिखेंगे बेटा, सुनिए सुनिए, टॉपिक लिखिएगा बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। टॉपिक लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ठीक है। अब तक हम लोग नोमेनक्लेचर का बेसिक्स देख रहे थे, अब हम लोग एक्चुअल में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में बेटा बहुत सारे रूल्स होंगे, तो लिखेंगे रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, आगे लिखिए रूल नंबर वन, लिखिए रूल नंबर वन। देखिए रूल नंबर वन क्या है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है। अब मान लेते हैं दो अपने पास ऑप्शन आ गया, अपने पास दो चेन है जो लॉन्गेस्ट है, तो फिर कौन सिलेक्ट करेंगे? देन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। लेट से वी हैव टू चेन विच बोथ आर इक्वली लॉन्गेस्ट, देन वी विल सिलेक्ट वन विच हैव मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। दिस लॉन्गेस्ट चेन इज नोन एज पेरेंट चेन, दिस लॉन्गेस्ट चेन इज नोन एज पेरेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आएगा। ये अपने पास यहाँ पर कार्बन चेन है, तो मैं एक ऑप्शन है बेटा, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो बेटा ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे लॉन्गर चेन पॉसिबल है, इससे लॉन्गर चेन पॉसिबल है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन अपने पास बेटा ये वाला चेन सिलेक्ट करने को है, ठीक है। अब ये भी बेटा सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे भी लॉन्गर पॉसिबल है। तो यहां पर बेटा फर्स्ट वाले में हम लोग को जो लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। देखो कैसे, बड़ा सिंपल है। हाँ इधर से बेटा आप वन टू, सॉरी 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 सॉरी, वन ये गया,
रुकिए बताइएगा यार, रीस्टार्ट होगा। ये देखिए वापस आया, चलिए आ गया, नहीं आया। ये कौन कौन है? अच्छा ये बेटा क्या बेटा? अरे बेटा ये कब, ये तो बेटा डेस्कटॉप का वो वॉलपेपर है, वो हैंग कर गया ये था। अच्छा इसका है बेटा, ये बाई फिनाइल रिंग है बेटा, कराएंगे यहाँ तक पहुँचेंगे बेटा, सब होगा सब होगा। आ रहे बेटा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, चलिए यहाँ पे वापस आते हैं, चलिए ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन है आपका, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो इस वाले में बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन माना जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा नाइन नहीं होगा, नहीं आ रहा, नाइन देखिए आप, नहीं नाइन आएगा बेटा। हाँ इधर से, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी ले सकते थे बेटा, ये वाला भी ऑप्शन आप इंक्लूड कर सकते थे बेटा। एक्चुअली ये वाला और ये वाला पोजीशन एक ही जैसा है बेटा, बोथ आर सेम पोजीशन, ठीक है, इधर भी CH3 इधर भी CH3 इक्वली दिखता है, दोनों सेम ही है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर से बेटा 10 आया मेरे पास। दूसरा ऑप्शन है बेटा इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर से 10 आया। किसी भी तरीके से बेटा कर लीजिए 10 आएगा, मतलब ऊपर से भी 10 है इधर से भी 10 है बेटा, दोनों एक ही चीज है, आपको जहां से लेना है वहां से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर बेटा आप इधर से तो स्टार्ट करोगे, ये तो गारंटीड है, इधर कुछ सोचना नहीं है, ये सोचना आपको यहाँ पर आके, ध्यान से सोचिएगा बेटा। इधर से बेटा आपको बेटा 1, 2, 3, 4, 5, इधर गया तो 6, 7, और नीचे आए तो कितना होगा बेटा? 6 होगा। कैसे 8 हुआ बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कितना बेटा? 7। तो दोनों तरफ से क्या हुआ बेटा? 7 हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएंगे बेटा, ये ग्रीन वाला आप सिलेक्ट करोगे या फिर ये येलो वाला सिलेक्ट, सॉरी येलो हुआ, सर नीचे सर कहाँ से 8 हुआ बस? अरे चेन होगा ना यहाँ पे, यहाँ इसके बाद यहाँ जंप थोड़ी ना करेंगे यहाँ तो बेटा, यहाँ पे क्या समझ, इधर से बेटा यही तो समझ में आया ना, चेन होता है ना बेटा, लॉन्गर चेन होना चाहिए ना, यहाँ पर चेन है बेटा, इसके बाद यहाँ से यहाँ थोड़ी ना जंप करना है। चलिए सुनेंगे बेटा, यहाँ पे ग्रीन में बेटा और येलो में माइनर डिफरेंस है इस बार,
आप मुझे ये बताइए कौन सा सही है। ग्रीन सही है, सिलेक्ट करना। चलिए देखिए बेटा, देखो आपको सेकंड नंबर रूल बता रखे है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ध्यान से समझेंगे, यहां पर सबको हटा दिए, ठीक है, सब मिटा दिए। आप क्या करते हो, आप लेट से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हो, ग्रीन वाला सिलेक्ट कर ले। तो बेटा ग्रीन वाला चेन बेटा कितना, 7 कार्बन लॉन्ग है, बट जरा इस चेन में बेटा ब्रांचेस देखेंगे तो इस चेन में बेटा ये एक ब्रांच लगा हुआ है और यहां पर एक ब्रांच माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ग्रीन वाला मेरा पेरेंट चेन है देन आई हैव 2 ब्रांचेस, बट अगर बेटा मैं इसको अगर अपना बना लेता हूं पेरेंट चेन, ये पर्पल वाला, तो बेटा देखो इसके पास, पर्पल वाले के पास कौन ब्रांच है बेटा, सिर्फ वन ब्रांच है। किसी को डाउट है तो अच्छे से सोचिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेटा समझने के लिए आप बेटा 2 कलर का पेंसिल यूज कर लीजिए बेटा, दो कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके पास 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच, देखिए ब्रांच नहीं है, ये ब्रांचिंग नहीं है पेरेंट चेन का, और ये ब्रांचिंग नहीं है पेरेंट चेन का। अच्छा बेटा ये ब्रांच हुआ ना बेटा, ये इसका ब्रांच हुआ और ये ब्रांच हुआ इसका। जो कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है उसको हम लोग ब्रांचिंग बोलते हैं, ये ब्रांचिंग है ना बेटा, ठीक है। ये कहाँ से ब्रांच है, इसको तो काउंट करके गया है ना। हाँ ये हाँ ये सही, ये सही, इसके पास बेटा 1 ब्रांच है। तो बेटा ब्रांचिंग कब आएगा, ब्रांचिंग रूल तब आपको यूज करना है जब टाई हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन में। अगर लॉन्गेस्ट चेन में टाई नहीं हुआ तो फिर ब्रांचिंग पे नहीं आना है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच के बारे में नहीं सोचना है। जब लॉन्गेस्ट चेन में टाई हो जाए तब सोचना है। हाँ बेटा बोलिए। एक ब्रांच है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में से मतलब नहीं है बेटा, ब्रांच मतलब बेटा ब्रांच, देखो बेटा ये एक ब्रांच बोला जाएगा ना बेटा, ब्लैक वाले का ये एक कंप्लीट ब्रांच माना जाएगा बेटा। ये बेटा इसमें कितने भी एटम है मतलब नहीं है, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज 2 ब्रांच, नहीं दिख रहा आप लोग को, देखिए बेटा बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ग्रीन वाले का ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ग्रीन वाला इस तरीके से आया है, ठीक है। हाँ बेटा चलो इसमें सेकंड वाले में, हाँ जा सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेकंड वाले में इधर से भी जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बेटा बोलिए, फिर और भी उपाय है बेटा, मिक्स करके देखेंगे ना। चलिए ये तीनों बना लिए आप लोग, चलिए नहीं बेटा अब तो ये नहीं होना चाहिए बेटा, इको तो नहीं हो रहा है। अच्छा आप लोग का इको हो रहा है ना, अच्छा आप लोग का इको हो रहा है, होगा
एक मिनट रुकिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। आप लोग को अभी को नहीं कर रहा होगा बेटा? नहीं, अब आप लोग की आवाज़ ही को नहीं कर रही ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। हाँ, ये तीनों बना लिए, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग अब रूट वर्ड लिख लेंगे। इसका रूट, यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ रूट हो जाएगा 9, यहाँ रूट हो जाएगा डेक, यहाँ हो जाएगा बेटा हेप्ट। तो सबका रूट तो मालूम चल गया, समझ में आया? रूट हम लोग को मालूम चल गया, 9 है, डेक है और हेप्ट है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ग्रुप्स अटैच्ड टू पेरेंट चेन। आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट आर ग्रुप्स व्हिच आर अटैच्ड टू पेरेंट चेन। तो हम लोगों ने पेरेंट चेन तो सेलेक्ट कर रखा था पिछले वाले में बेटा, पेरेंट चेन अपना ये आया था, दिस वाज माय पेरेंट चेन। यही था। चलिए अब वही आप लोगों को दोबारा ड्रॉ नहीं करना है बेटा, पुराना ही मॉलिक्यूल है, ठीक है? आप लोगों को सिर्फ रूल लिखना है, ठीक है? आप लोगों को रूल लिखना है, मॉलिक्यूल पुराना ही है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये एक ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक ब्रांच है और सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक ब्रांच है और सब्स्टिट्यूएंट है। जरा इस ब्रांच को देखिए, तो ये सिंगल कार्बन है, बट सिंगल कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया गया है। जब एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, अल्काइल सही है, बट एक्चुअल में क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, यहाँ मिथाइल होगा बेटा, मीथेन बेटा, एक कार्बन था ना, तो मीथेन, उससे हाइड्रोजन हटाए तो मिथाइल। इसको भी क्या नाम देंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बेटा, यही तो है सब्स्टिट्यूएंट जो पेरेंट चेन से बेटा हैंगिंग है बेटा। एनीथिंग विच इज अटैच टू पेरेंट चेन दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट, क्या बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांच भी समझ सकते हैं। तो दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, ये क्या है बेटा? दो कार्बन है बेटा, देखिए, एक कार्बन दो कार्बन, बहुत बढ़िया, दिस इज इथाइल। अब समझ में आया इथाइल मिथाइल क्यों हम लोग सीखे? इस कारण से सीखना पड़ा, ठीक है, मार्क कर लीजिए। फिर बाकी में बेटा देखिए, शायद ये वाला था अपना एक ब्रांच और ये वाला आया था। चलिए इन दोनों का नाम लिखिएगा, और दूसरे में बेटा ये वाला आया था।
चलिए सबका नाम लिखिए। हाँ पुराने डायग्राम में कीजिए, हाँ प्रॉब्लम। अरे ब्रांचेस का नाम लिखिए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, इसका नाम पता कीजिए, ये है क्या। बहुत बढ़िया, इसका पता कीजिए जो जो सर्कल की है बेटा। आगे तो ब्रांचेस कौन है आइडेंटिफाई कीजिए, उसका नाम लिखिए सब कोई। हो गया, तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ बेटा। ये क्या आया बेटा सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। प्रोपाइल थ्री कार्बन है, देखिए 1, 2 and 3, वी हैव 3 कार्बन, सो प्रोपाइल दिस विल बी इक्वल इथाइल। वी हैव 2 कार्बन हैंगिंग, 2 कार्बन हैंग यहाँ पे बेटा, अगेन इथाइल, बहुत बढ़िया यहाँ मिथाइल, बहुत बढ़िया। देखिए बस हो तो गया, आप देखिए नोमेनक्लेचर कितना आसान लगेगा। चलिए तो रूल नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। मिथाइल बेटा कैसे आ रहा है, सिंगल कार्बन रहता है बेटा, मीथेन होता है CH4, तो CH3 हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा। नंबर द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स सब्स्टिट्यूएंट्स द लोएस्ट नंबर। चलिए इतना लंबा रूल है, लिख लीजिए एक बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं। चाहे समझिए, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको नंबर द कार्बन चेन बोला है, कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये अपना ब्रांच था, याद कीजिए अपना मॉलिक्यूल में, देखिए ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। इन लोग को नंबर नहीं मिलेगा, दिस कार्बन विल नॉट गेट एनी नंबर। नंबर किसको मिलेगा, पेरेंट चेन को मिलेगा नंबर, इसको मिलेगा नंबरिंग बेटा। आप जब करोगे तो आप नंबरिंग यहां से नहीं कर सकते हो, मिडिल से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगा। नंबरिंग आप या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो 1, 2, 3, या फिर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब पेरेंट चेन के या तो लेफ्ट एंड से या तो राइट एंड से। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट होगा, बता रहे आपको पेरेंट चेन को नंबर करना है, तो नंबर या तो बेटा चेन के लेफ्ट एंड से स्टार्ट होगा या तो राइट एंड से होगा, बीच में से नहीं हो सकता। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं यहां से कभी भी नंबरिंग किसी भी समय पे यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये गलत है। आप क्या कर सकते हो, या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, ये पेरेंट चेन याद करो बेटा, सबने अपने कॉपी में पेरेंट चेन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, हम लोग वही मॉलिक्यूल आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए या तो फिर आप यहां से नंबरिंग करोगे, तो मतलब ये वाला इस तरीके से नंबरिंग हो सकता है। अब क्वेश्चन है पर्पल वाला नंबरिंग सही है या ग्रीन वाला नंबरिंग सही है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप इमेजिन करो कि पर्पल वाला नंबरिंग से आप स्टार्ट किए, तो फर्स्ट सेकंड, आपको ब्रांच कहाँ मिला, सेकंड वाले कार्बन पे ब्रांच मिला पर्पल वाले के अकॉर्डिंग। अगर ग्रीन वाले से मैं चलूंगा तो मुझे पहला ब्रांच कहाँ मिला, 4 में, तो पर्पल कहता है मैं सेकंड पे ब्रांच दूंगा, ग्रीन कहता है मैं 4 पे ब्रांच दूंगा, आप बोलोगे ग्रीन टाटा बाय बाय, पर्पल मैं आ गया,
समझ में आया? आपको उस वाले से नंबरिंग करनी है जिस जि, जिस जिस डायरेक्शन से बेटा ब्रांच सबसे पहले आए। तो सबसे पहले ब्रांच बेटा यहां से आए सेकंड पोजीशन पे, तो पर्पल वाला सही है। अब आप नंबरिंग आगे करते जाओगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 याद कीजिए, हो गया ब्रांच। नंबरिंग दोनों तरफ से करो आप, बट जिधर से पहले ब्रांच मिल जाए वो फाइनलाइज कर लेना है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं बेटा आगे सुनिए, नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन पर्पल वाला ये रहा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर बेटा ये रहेगा, ये इधर गया था ना 1, 2, 3, 4। तो बेटा यहाँ पर तो दोनों तरफ से बराबर आ गया, इधर से भी 4 इधर से भी 4, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अब सोचो अब क्या उपाय। अब बेटा कोई उपाय नहीं बेटा, जब सारे रूल्स आपके खत्म हो जाए ना फिर भी टाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहला ब्रांच 4 पे आया, सेकंड ब्रांच देखो कहाँ आता है 6, 7 आया ना सेकंड ब्रांच, ये वाला ब्रांच 7 पे आया। पर्पल वाले का देखो तो 4, 5, 6, 7 इधर से भी वही ब्रांच आया। तो अब क्या करोगे? बहुत नहीं, अल्फाबेटिकली आपको सिलेक्ट करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो लास्ट रूल हमेशा याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए पर्पल एंड ग्रीन बोथ आर सेम, बट बेटा इधर में कौन है इथाइल, उधर कौन है, पहले कौन आना चाहिए इथाइल। तो बेटा आप इधर वाला इथाइल को प्रेफरेंस दोगे, मींस पर्पल वाले को आप मिटा दोगे। सब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप अल्फाबेट पे आओगे, तो वो पहले आता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, अगर यहाँ मिथाइल होता तो पहले इधर से हो जाता। बहुत बढ़िया बेटा सब। अरे यार तीन कार्बन है बेटा, यहाँ कितने कार्बन है देखिए तो बेटा 1, 2, 3 तो ये प्रोपाइल हुआ ना बेटा। हाँ बेटा इथाइल में दो कार्बन है, तो दो कार्बन का मतलब इथाइल होता है, तीन कार्बन का ब्रांच मतलब प्रोपाइल। बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने ब्रांच में वो कैलकुलेट करना होगा ना, वो तो काउंट करना है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक तो ये रहा, दूसरा ये हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़ा क्लियर कट है। पर्पल वाले से पहला ब्रांच कब मिला 5 पे, हाँ यहाँ बेटा ग्रीन होगा। बहुत बढ़िया यहाँ ग्रीन होगा। चलिए अब आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है अब आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा बहुत सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेटा? हाँ रूल भी लिखना होगा, ये भी सारा कुछ मार्क करना होगा बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल लिखना है। हाँ तो जिसका ब्रांच पहले आया बेटा
दोनों तरफ मिथाइल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, फिर कहीं से भी कीजिए। तो लाउडर बोलिए तो आप लोग का आवाज थोड़ा। कॉन्जुगेट कहाँ है बेटा? यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो नहीं है फिर। हाँ बेटा और क्या, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? क्या समझना है दोबारा? कौन सा बेटा, सेकंड वाला कि ऑल थ्री? बेटा तो चलिए मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ बेटा, बट दोबारा आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है? मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ बेटा। इधर से आप गए तो आपको ब्रांच कहाँ दिखा बेटा? सेकंड कार्बन पे। इधर से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच कहाँ दिखेगा बेटा? फोर्थ पे। तो बेटा आप समझो बात को, आपको इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो आपको फोर्थ पे दिखेगा, इधर से नंबरिंग करोगे तो सेकंड पे दिखेगा। तो कौन सा नंबरिंग सही है? इधर वाला नंबरिंग सही है। आपको नंबरिंग वहां से करनी है बेटा जिधर से ब्रांच आपको पहले मिल जाए। सिंपल सा रूल है, यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच विल गिव यू द ब्रांचिंग एट अर्लीस्ट। जो सबसे पहले आपको ब्रांचिंग दे देगा, जो सबसे पहले आपको ब्रांचिंग दे देगा वो वाला साइड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे बेटा वो बेटा, हाँ वो नहीं नहीं बेटा वो, अरे कोई बात नहीं। यहाँ देख 1 2 3 4 5, पर्पल वाले से बेटा ब्रांचिंग 5 पे पहली बार आया और ग्रीन वाले से बेटा सेकंड पे ब्रांचिंग आ गया, तो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? ग्रीन वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से ब्रांचिंग सेम पे आ जाए तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस चेक करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको प्रेफरेंस देना है। क्लियर है बेटा सबको नंबरिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फोर, हाँ बेटा एक्चुअली कम से कम आपने नेशनल एंथम तो नहीं बोला, कुछ लोग इसको नेशनल एंथम समझ लेते हैं। देखिए रूल नंबर फोर है और आखिरी रूल है ये, ठीक है? इसके बाद नंबरिंग नाम हम लोग लिख लेंगे। रूल नंबर फोर सेज इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस, द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन विच द सब्स्टिट्यूएंट अकर्स इज गिवेन इन एडिशन द नंबर ऑफ टाइम। इन एडिशन द नंबर ऑफ टाइम्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अकर्स इज इंडिकेटेड बाय अ प्रीफिक्स विच कैन बी डाई ट्राई और टेट्रा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको लोकेशन बताना है, तो हम लोगों ने इसको तो ब्रांच माना, इसको ब्रांच माना और इसको ब्रांच माना। हम लोग कुछ चीजें अभी तक पता कर लिए थे कि इसका रूट कितना है बेटा, नॉन था। इसका सैचुरेशन कितना था बेटा, एन था। चलिए अब इसका प्रेफिक्स की बारी आ गई, तो प्रेफिक्स में कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। प्रेफिक्स में बेटा ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये क्या है बेटा,
इथाइल है, ध्यान से सुनिएगा। नंबरिंग हम लोग को याद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ध्यान से समझिएगा प्रेफिक्स के बारे में। प्रेफिक्स में आपको लिखना है सेकंड पे मिथाइल, है ना बेटा, 5 पे मिथाइल, सर यहाँ कॉमा मत दीजिए, आप लिखिए 5 पे मिथाइल, हाइफ़न दीजिए, ठीक है, कॉमा मत दीजिए, हाइफ़न। और क्या है बेटा, 6 पे इथाइल, समझ में आया। अब ध्यान से सुनिएगा नाम क्या लिखेंगे, नाम होगा नॉनेम, इसमें किसी को डाउट, ये नाम होने वाला है नॉनेम, ठीक है, नाम में बेटा आपका रहेगा नॉनेम, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये रूट हो गया, ये सैचुरेशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बात करेंगे साइक्लो, तो साइक्लो नहीं हो सकता है। अब इनको रख देना है बेटा, मेरा नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो रूल ऊपर इतना कुछ बोला है ना, वो ये कह रहा है कि 2 और 5 दोनों आपको लिखना होगा। यू हैव टू राइट बोथ 2 और 5 एंड यू हैव टू राइट 2, 5। व्हाई 2, 5? बिकॉज वी हैव मिथाइल एट सेकंड एंड मिथाइल एट 5, तो दिस विल बी 2, 5 मिथाइल। ध्यान से समझिएगा, बट मुझे बेटा 2 बार मिथाइल आया है, तो मुझे मिथाइल नहीं बोलना है, मुझे डाई मिथाइल बोलना है। क्या बोलना है? डाई मिथाइल बोलना है, डाई मिथाइल, 2, 5 डाई मिथाइल। फिर मुझे बोलना है 6 इथाइल, फिर मुझे बोलना है 6 इथाइल। तो एक्चुअल में जो आप यहाँ 2 और 5 मिथाइल अलग अलग लिखे हैं, हम लोग को लिखना चाहिए प्रीफिक्स पे 2, 5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ये लिखना चाहिए, 2, 5 डाइमिथाइल। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बेटा, अ लेटर एंड अ नंबर इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ हाइफ़न, ठीक है। हाँ बेटा, ये तो लास्ट क्लास में ही क्लियर किए थे। चलिए, ये आपको कॉमा, नंबर एंड नंबर के बीच में कॉमा एंड नंबर और उसके बीच में हाइफ़न। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या, इसका और इसका दोनों का बेटा, जैसे मैंने रूट लिखा है, सैचुरेशन लिखा है, प्रेफिक्स लिखा है, वैसे इसका भी प्रेफिक्स आप लिखिए, ठीक है बेटा। तो दोबारा एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लीजिए बेटा, डाई बेटा 2 बार मिथाइल नहीं है, 2 और 5 पे मिथाइल में डाई, इस नाम अभी बताएंगे बेटा, अभी आगे इतना लिखिए ना, ठीक है। तीनों का बेटा आप लोग को ड्रॉ करना है, और तीनों का बेटा ये वाला काम करना है, बस लास्ट स्टेप है बेटा, इसके बाद शायद एक रूल और बच गया है, ठीक है। हाँ बेटा, एक रूल बच गया बेटा, ज्यादा रूल नहीं बचा, ठीक है, एक रूल बचा है। चलिए आंसर मत बताइए बेटा, लिखिए पूरा,
सबका होपफुली बेटा हो गया होगा, प्रीफिक्स लिखना और सफिक्स लिखना, ठीक है? सॉरी प्रीफिक्स, सफिक्स तो है ही नहीं बेटा, ठीक है? चल अब देखिए लास्ट रूल है बेटा, रूल नंबर 5 बेटा, अभी भी चलिए। इफ देयर आर टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट देन दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बड़ा सिंपल सा है, बट इग्नोर द प्रीफिक्सेस सच एज डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है? समझेंगे बात को, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करना था बेटा, तो इसका तो रूट या वर्ड हो गया नॉनेम, प्लस हम लोग इसका बेटा 2.5 डाइमिथाइल पता किए, और ये बेटा क्या था, कितना इथाइल था, 6 इथाइल। क्वेश्चन ये है बेटा, प्रीफिक्स में पहले कौन आएगा? प्रीफिक्स में मैं ये लिखूंगा 2.5 डाइमिथाइल, 2.5 डाइमिथाइल 6 इथाइल, ये तो बहुत लंबा नाम हो गया, रुकिए, मेरा को मतलब ये है कि व्हाट आई शुड बी राइटिंग 2.5 डाइमिथाइल, सिक्स इथाइल नॉन ए और 6 इथाइल 2.5 डाइमिथाइल नॉन ए, ध्यान से समझिए क्या करना है बेटा, आपको फोकस करना है अल्फाबेट पे, यहां पे बेटा एम पे फोकस करना और ई पे करना है, डी पे नहीं करना है, बोला है डाई ट्राई और टेट्रा, ये लोग बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है अल्फाबेट डिसाइड करने के लिए, एम से और ई से डिसाइड होगा। पहले कौन आया बेटा, ये सही है ये गलत है, होपफुली क्लियर है, समझ में आया? चलिए हो गया बेटा नोमेनक्लेचर सबका, फिर चलिए इसका भी नोमेनक्लेचर कर लीजिए। हाँ बेटा, बेटा यहाँ पे ई पहले है एम बाद में है, ठीक है? बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, ऐसा क्यों किए? ये नंबरिंग तो गलत हुआ था ना, नंबरिंग इधर से करना था क्योंकि इथाइल पहले आया था, ये नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा बेटा 4 इथाइल, ई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? हाइफन हो जाएगा, सेवन प्रोपाइल डेकेन, समझ में आया बेटा सबको? एक्सप्लेन तो किए थे बेटा, इधर देखो 4 पे ब्रांच इथाइल आया पहले, उधर बेटा 4 पे प्रोपाइल आ रहा है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे दोनों तरफ से ब्रांचिंग इक्वल पोजीशन पे था, तो फाइनली हम लोग अल्फाबेट से डिसाइड किए, और एक बार बता चुके हैं जब सारा रूल ख़त्म हो जाए तो अल्फाबेट यूज़ कीजिएगा, और अल्फाबेटिकली सेम हो जाए तो फिर सेम हो गया, ठीक है? हाँ बेटा बोलिए। नहीं, पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे,
सिर्फ एक ही नाम बेटा, नाम में कोई स्पेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो अगर ऐसे लिखता हूँ ना, अनिल और स्पेस दे के SHH, ऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में ऐसे लिखा जाएगा, समझ गए? इस तरीके से लिखना। क्योंकि बेटा यहां पर आप देखो तो M पहले आया जो गलत है, पहले क्या आना चाहिए? E आना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड बिटवीन क्या बेटा, 2,5-डाइमिथाइल और 6-इथाइल। पहले किसको रखना है? पहले इसको रखना है क्योंकि E पहले आया। समझ में आया? अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा आपको ना कुछ क्वेश्चंस मिल, हाँ बेटा वही बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, गुड नाइट बेटा।